नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि भगवान धनवंतरी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आज एक छोटा सा बात बट बहुत ही बढ़िया है, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। दोस्तों देख रहा हूँ कि आजकल लंग्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बहुत जल्दी हाँफ चढ़ जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो हाँफने लगते हैं, और उन्होंने बहुत कुछ दवाइयाँ भी खाया बट उसे कोई उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों मैं कुछ एक ऐसा एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो डेफिनेटली 7 डे में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगी, जो आप सोचे नहीं होंगे, इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलती है। दोस्तों ये कहाँ कहाँ काम करेगा मैं बता दे रहा हूँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी सावधानी होकर करेंगे, लेकिन वो भी करेंगे उनको भी बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगी। जिनकी लंग्स में प्रॉब्लम है, ILD वगैरह है लंग्स में, उनको भी बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगी। जिनको सांसों की तंगी रहती है, हमेशा सांस फूलती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनको दमा है, अस्थमा है, सबके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। इससे आपकी जो लंग्स है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एल्वोलाई जो सिकुड़ रहे हैं वो भी अपनी जगह पर आ जाते हैं, और समझिए कि ऑक्सीजन का जनरेशन बढ़ जाते हैं। इसमें बस केवल दो काम ही करना होगा, एक एक साइज दूंगा वो आप करेंगे, और एक मैं दवाई बताऊंगा खाने के लिए वो खाएंगे। और रात को जिनकी पेट साफ़ नहीं होती है तो वो सिंपली काली हरड़ का प्रयोग करेंगे, वो घी में अपना थोड़ी सी भून करके पाउडर बना लेंगे, और रात में खाना खाने के बाद 1 टीस्पून छोटे चम्मच से 1 चम्मच खाने के बाद गर्म पानी पी लेंगे, बस वो इतना करेंगे। और अभी क्या करना है लंग्स के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को अगर इस टाइप से करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, लेकिन दोस्त आपको समझना होगा कि ये एक्सरसाइज करने के बाद इसकी फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर देंगे और अजमा के ज़रूर देखेंगे। निश्चित 7 डे करना है, इसके बाद आपको फीडबैक देना है, क्योंकि पावरफुल एक्सरसाइज है। जो सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको हाफ आती है उसमें बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज करने के लिए सिंपली जो लोग कमज़ोर हैं, जो खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो वो बैठ के भी कर सकते हैं, पालथी मार के बैठ के आराम से कर सकते हैं। जो लोग झुक सकते हैं वो झुक करके भी कर सकते हैं, जो खड़ा भी हो करके कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बढ़िया इसमें ये देखा गया है कि अपने दोनों घुटने के बल थोड़ी सी झुकनी, जैसे हम कबड्डी करते हैं ना, तो वो उस टाइप से झुकते हैं, तो वो करना होगा। जैसे देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ एक्सरसाइज, इस टाइप से ही करना है। तो देखिए मैं एक्सरसाइज करके बताता हूँ, आप लोग देखिए गौर से और करेंगे। बस सिंपल सी दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथ से इस पे पैर पे ऐसे रखने हैं घुटने पे, इस टाइप से देख रहे हैं आप। देखिए अब क्या करनी है, और इजी वे में रहेंगे, एकदम अपने बॉडी को थोड़ा सा इजी करेंगे, यानी छोड़ेंगे एकदम, फ्री रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको इस टाइप से ही करना है, आपको हाँफना है सीधे, जैसे डॉगी लोग अपना जीभ, जिसको है कि जीभ निकाल के हाँफेंगे, तो इससे इस पर भी जोड़ पड़ती है, इस पर भी जोड़ पड़ेगी, यहाँ पे तो थायराइड ग्लैंड है उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद लंग्स को जितने ब्लॉकेज वगैरह वो खुलने लगेंगे, बहुत अच्छा ही है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अब हम जब एक इस टाइप से करते हैं, अब स्टेप क्या करना है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना है, खड़ा होने के बाद आप इस टाइप से कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप एक्सरसाइज को जैसे पाएंगे, यानी आप डांस के रूप में जैसे ले रहे हैं, और आसानी से एक्सीलेट होना चाहिए आपके साथ। मैं बता रहा हूँ कि आप लाखों लाख रुपया की दवाई खाए होंगे,
मैं दावे के साथ करता हूँ बहुत सारा एक्सरसाइज किए होंगे, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। और सुबह सुबह फर्स्ट बार करें, जो सीढ़ियाँ चढ़ती है 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक जाते हैं और हाफ जाते हैं, वो जनरल आदमी जिनको बोलते हैं कोई बीमारी नहीं है उन लोग भी करें, सभी स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। और 7 डे में रिजल्ट 100% आना ही आना है। आज के डेट में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी लंग्स बहुत मजबूत होगी, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि सबको चेस्ट की बीमारी ज़्यादा हो रही है, तो इसमें कोई विकार होती है कि कोई ट्यूमर सिस्ट बनने वाले हैं वो भी नहीं बनेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे जो बीमारी आपके पास आने वाली है लंग्स के रिलेटेड, उससे भी आप बच जाएंगे। बहुत सारे ब्लॉकेज वगैरह होना है इसमें, उससे भी बच जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आपको हेल्प करेगी। थायराइड तो ठीक होना ही होना है, साथ में थोड़ा सा थायराइड के लिए आप करना है तो साथ में ये गले को इस टाइप से पकड़ना है, इसे देखिए गले को, तो इस टाइप से ये भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए दो बीमारी थायराइड भी क्या है कि गले के पास कुछ रुक जाती है, वो धीरे धीरे वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, तो अगर हम हरारत पैदा करेंगे वहाँ पे गर्मी पैदा करेंगे तो वो अपने आप वो हटने लगेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रुकेंगे। और देख लीजिए अजमा करके ये बहुत। अब साथ में एक दवाई खाना है, क्या खानी है आपको, घरेलू चीज़ है वो बनाएंगे। इसमें 50 ग्राम आप सौंठ ले लेंगे और 10 ग्राम काली मिर्च ले लेंगे और 5 ग्राम इसमें आप बड़ी पीपल, इन सभी पाउडर को मिक्स कर लेंगे और इनसे 3 गुना शहद इसमें मिक्स करके और 1/2 टीस्पून 2 टाइम चाट चाट के आप खाएं और इस एक्सरसाइज को करें। और रात में जो मैंने बोला कि काली हरड़ की प्रयोग वो करें, बस इतना अगर आप करते हैं तो आपको लंग्स के लेकर के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। आपके अपने तो बहुत जल्दी आपकी जो थकावट बहुत जल्दी थकते हैं इसमें बहुत रिलीफ मिलेगी। तो दोस्तों थैंक यू, मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया था आप लोग के लिए कि चलिए भाई मैं लंग्स के रिलेटेड आपको बना देता हूँ एक एक्सरसाइज और साथ में एक मेडिसिन। तो चलिए इसे कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।